I am a general! I am a general! $150,000! And I will leave it! Indian Railway and BJP in both ways! मेरठ से लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस से अपनी पहली रफ्तार पकड़ी तो विकास किस पर सवार होने के दावे होने लगे, लेकिन इन्हीं दावों के बीच पहले ही सफर में भयंकर बवाल भी हो गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जहां एक भाई चीख चीख कर अपनी बहन के साथ वत्सलूकी का आरोप लगाता है और ये आरोप लगते हैं बीजेपी नेताओं पर कि बीजेपी नेताओं को उनके डिब्बे से इस भाई बहन का जाना इतना नागवार गुजरा कि वो गाली गलौज पर उतर आए। खूब हंगामा हुआ वंदे भारत ट्रेन में तो सियासत भी गरमा गई, बीजेपी विरोधियों के निशाने पर आ गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर जी भरकर बीजेपी को सुना दिया और बता दिया कि बीजेपी को नहीं पसंद है रेल और वजह भी बता दी। देखिए अखिलेश यादव का एक्स पर किया ये पोस्ट। भाजपा ही कह रहे हैं कि ट्रेन का डिब्बा उनका है, गैर भाजपाई उसमें नहीं आ सकते। कल को ये भाजपाई यही दावा करते हुए आम आदमी को सड़क पर चलने से रोकेंगे। दरअसल रेलगाड़ी की अवधारणा का भाजपा के विचार से गहरा विरोधाभास है, क्योंकि रेलगाड़ी सबको जोड़कर आगे बढ़ने का सकारात्मक प्रगतिशील विचार है, जबकि भाजपा की राजनीति कुछ खास लोगों के लिए बनी डिब्बे नुमा बंद सोच के अंदर बाहर के किसी और को आने नहीं देना चाहती। कुछ का साथ कुछ का विकास ही इनके झूठे नारों का सच्चा सच है। अब भाजपा की राजनीति और भाजपाई अराजकता से जनता त्रस्त हो चुकी है। आज भाजपा की गाड़ी अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, इससे आगे की यात्रा उसके लिए संभव नहीं है। अच्छा हो कि अपनी यात्रा को खत्म करने से पहले भाजपा सरकार भी देश से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारे राज्य में हुई असुविधा के लिए खेद है, माफी की ऐतिहासिक परंपरा को बरकरार रखते हुए नहीं चाहिए भाजपा। अब जरा इन भाई बहन के आरोप भी सुन लीजिए कि कैसे बीजेपी नेता गुंडई पर उतर आए, तो वहीं आरोप ट्रेन के स्टाफ पर भी लगाए गए। हम लोग भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, पर ये ऐसे लोगों को देख के भाजपा की नीचे हो रही है। मोदी जी को देखना चाहिए कि इन लोगों की वजह से भाजपा की उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलना नहीं, बार बार क्यों निकल रहे, जबकि हम एक बार ऐसे गए ऐसे गए एंड देन वी स्टार्टेड कि हम लोग आगे जा रहे हैं। तो हाँ, हमारा वीडियो है हमारे पास। आई एम अ चैनल, आई एम अ चैनल, $150,000 एंड आई विल लीव इट इंडियन रेलवे एंड बीजेपी इन बोथ वेज। तो भाई वीडियो में चिल्लाता नजर आ रहा है कि ट्रेन में मौजूद पुलिस ने बीजेपी नेता का फेवर किया। ये शख्स इस दौरान FIR करवाने की बात भी कहता है। ये भाई बहन खुद को मेरठ के जागृति विहार के रहने वाले बताते हैं। वही हंगामे के दौरान ये भाई बहन खुद के बीजेपी कनेक्शन की बात भी कहते हैं। ये दावा करते हैं कि वो स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आपको बता दें कि घटना मेरठ हापुड़ के बीच हुई। वंदे भारत ट्रेन में हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी नेता भी गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रेन अधिकारियों और RPF ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया था। फिलहाल इस खबर को लिखते वक्त तक अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है, कोई मामला नहीं दर्ज हुआ है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।